हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो इन रैंक सीजन 27 एपिसोड नंबर 4। तो गाइस, आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग बहुत ही ज्यादा हार्ड लॉबी के अंदर, जिसमें गाइस बहुत ही ग्रैंड मास्टर वाले प्लेयर्स आ जाते हैं गाइस तगड़े, उस लॉबी के अंदर आप लोग कैसे बहुत ही ईजी तरीके से बुया ले सकते हो, ठीक है, एंड बहुत ही आसान तरीके से गेम खेल सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले चाहिए होगा आपको बेस्ट कैरेक्टर स्किल। तो सबसे पहले आप लोगों के कैरेक्टर स्किल्स के पहले लोड आउट के अंदर क्या लेना है मैं वो बताता हूँ। तो लोड आउट के अंदर आप लोगों को एक बोन फायर लगा लेना है एंड एक स्कैनर लगा लेना है, ये दो चीज आप लोगों को लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कैरेक्टर स्किल्स में, तो उसमें आप लोगों को एक मैक्सिम लगा लेना है, एक फॉर्ड कैरेक्टर लगा लेना है, फॉर्ड या फिर गाइस पालोमा, और एक के जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी ये फ्री में भी मिल रहा है। एंड उसके बाद एक मिसा कैरेक्टर जो कि एक हैकर है गाइस स्पाइक ग्लिच, तो ये वाला कैरेक्टर आपको ले लेना है। वैसे आप लोग फॉर्ड के गाइस मतलब पालोमा के अंदर फॉर्ड के अंदर पालोमा ये सारी चीजें लगा सकते हो। एंड मैं गेम के अंदर आ गया गाइस, एंड आप लोग अभी देख सकते हो कितनी ज्यादा तगड़ी हार्ड लॉबी है। एंड गेम के अंदर भी गाइस लास्ट जोन में 35-40 बंदे रहते हैं, तो उस टाइम में आपको बुया करके दिखाऊंगा। एंड बहुत ही आसान तरीका है यार, सिंपल वे गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस कितना ज्यादा हार्ड लॉबी, एंड बंदे तो आप लोग लॉबी के अंदर देख ही सकते हो गाइस कैसे कैसे बंदे आए हैं। आप लोग देख लो यहाँ पे सामने गाइस, सारे के सारे पागल बंदे आए गाइस, ठीक है, मतलब गाइस दौड़ा दौड़ा के अंदर पूरा मैप के अंदर मारेंगे। तो गाइस ये वाला वीडियो देखो, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आता है मेन पार्ट गाइस लैंडिंग का। तो आप लोगों को लैंडिंग एक साइड वाले एरिया में करना है एंड आपके टीममेट्स के पास गाइस, ठीक है, आप में से जिसको भी गाइस जितना भी टीममेट है उसमें से एक के पास गाइस फैल्को रहना चाहिए, या फिर बोल देना किसी एक को फैल्को ले लेने के लिए, जिससे होगा कि गाइस आप लोग फास्ट लैंडिंग कर पाओगे। तो फास्ट लैंडिंग करने का बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा गाइस, अगर कोई वहाँ पे इनेमी उतरता है गाइस तो उससे पहले ही आप लोग उतर के गन लूट लोगे, जिसके कारण आप लोग बहुत ही आसान तरीके से उसे मार सकते हो। तो सिंपल तरीके से गाइस आप लोगों को एक साइड वाले एरिया में उतरना है, या फिर कहीं भी आप लोगों को जहाँ पे आप लोगों का फेवरेट प्लेस है गाइस वहाँ पे उतर जाना है, ठीक है, क्योंकि हार्ड लॉबी के अंदर गाइस पूरे मैप में ही बंदे आते हैं। तो जैसे ही आप लोग उतरोगे उसके बाद आप लोगों को एक लूट कंप्लीट करना है गाइस, ठीक है, अच्छी तरीके से लूट कर लेना है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लूट कंप्लीट कर लिया एंड मेरा रैंक अभी ग्रैंड मास्टर पे, तो मैं क्या करूंगा गाइस ड्रम डैमेज लूंगा। ड्रम डैमेज क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूं गाइस, एक ड्रम फोड़ोगे ना तो आप लोगों को 400 का डैमेज पड़ेगा। तो मैं यहां पे अपने दो दोस्तों को फोड़ूंगा गाइस, तो यहां पे मुझे 800 का डैमेज आ जाएगा, जिससे गाइस चार इनेमी को किल करने के बराबर का मुझे प्लस पॉइंट मिल जाएगा ड्रम डैमेज से, ठीक है। तो आप लोग भी ये लेना एंड मैं साइड वाले एरिया में। एंड गाइस अगर आप लोग ड्रम डैमेज लेना चाहते हो तो गाइस ऐसी जगह पे भी लैंड करना जहां पे ऑयल बैरल्स वगैरह हो, जैसे कि मिल हो गया, क्लॉक टावर हो गया, फैक्ट्री में भी एक रहता है। तो यहाँ पे गाइस मैंने ड्रम डैमेज वगैरह सारा चीज ले लिया एंड अभी हम लोगों को थोड़ा बहुत घूमना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइस अभी भी 40 बंदे अलाइव है एंड फर्स्ट जोन बन चुका है एंड अभी फर्स्ट जोन श्रिंक भी हो रहा है। तो अब क्या करना है, जैसे ही आप लोगों का गाइस फर्स्ट जोन मतलब ड्रम डैमेज वगैरह हो जाए, लूट कंप्लीट हो जाए, अगर लूट कंप्लीट नहीं हुआ हो तो गाइस एक दो जगह पे आराम से लूट भी कर सकते हो आप लोग। जैसे मैं हम लोग गाइस लूटते लूटते गाइस फैक्ट्री से यहाँ पे पोचिनो की तरफ आ गए एंड यहाँ पे एक बंदा मुझे दिखा गाइस, एक बंदा नहीं यहाँ पे एक स्क्वाड है गाइस, तो चलो इन सबको मारते हैं एंड देखते हैं क्या होता है गाइस। सबसे पहले आप लोगों को जैसे ही उतरोगे तो गाइस किल भी नहीं भी करोगे ना तो भी पता चल जाएगा गाइस, तो भी कोई दिक्कत नहीं अगर आप लोग ड्रम डैमेज ले ले तो। वैसे हम लोग गाइस यहाँ पे आए एंड मेरे साथ गाइस बहुत ही अच्छी वाली स्क्वाड है, तो यहाँ पे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे यहाँ पे मैं गाइस देख सकते हो, पहले तो यहाँ पे एक बंदा है गाइस इस साइड हमारे ना, हमारे लेफ्ट साइड एक बंदा, वो देखो गाइस चार बस्टर वाला बंदा एक ही बार में 40 हेल्थ का बना दिया गाइस। देखा मैं बोल रहा था ना हार्ड लॉबी है, एंड आप लोग बंदे भी देख लो ना यार कितने बंदे हैं गाइस अलाइव, 37 बंदे अलाइव है अभी तक, मतलब सोच लो गाइस कि कितना हार्ड लॉबी आया है। एंड हमारे पीछे गाइस पोचिनोक में बंदे भी रिवाइव हो रहे हैं, तो चलो गाइस जल्दी से उन सबको मारने के लिए जाते हैं। वैसे देखो गाइस कितनी तगड़ी लॉबी है एंड हार्ड लॉबी के अंदर क्या करना है आप लोगों को मैं बता देता हूँ गाइस। जैसे ही फर्स्ट जोन बने सेकंड जोन बने गाइस, ठीक है, ये वाला ट्रिक मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगा गाइस, जिससे आपका हर गेम बुया होगा। एंड आपने नोटिस किया गाइस जब हम लोग क्लॉक टावर पे तब भी 40 बंदे अलाइव थे एंड अभी भी 40 बंदे ही अलाइव हैं, देख सकते हो। वैसे अभी 38 हुआ है लेकिन देख सकते हो गाइस ये गाइस रिवाइव करके फिर से 40 कर दिया, तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड लॉबी आता है गाइस। तो उसके अंदर आप लोगों को सिंपली से गाइस ड्रम डैमेज वगैरह लेके लूट कर लेना है एंड आप लोग लैंडिंग कहीं भी किसी भी तरीके से कर सकते हो, बशर्ते वहाँ पे इनेमी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस चलो मैं इसको सबसे पहले फिनिश वगैरह कर लेता हूँ। एंड जैसे ही आप लोगों का गाइस जोन देखो गाइस, जोन कितना ज़्यादा छोटा बना हुआ है एंड अभी 41 बंदे अलाइव हो गए देखो गाइस। तो यहाँ पे चलो मैंने इसको मार दिया एंड जैसे ही आप लोगों का एक दो किल या फिर पूरा भरपूर पूरी स्क्वाड के साथ लूट हो जाए, उसके बाद क्या करना है गाइस, फर्स्ट जोन जैसे ही बने सेकंड जोन चेक करके गाइस, जोन चेकर से एक जोन चेकर वाला जो मशीन नहीं आता गाइस ऐसे डिस्को जैसा बना हुआ रहता है, उसमें सेफ जोन चेक करके गाइस जोन के सेंटर में जाके बैठ जाना है।
या फिर दो दो का टीम बनाना है गाइस, ठीक है। अगर आप लोग डुओ खेल रहे हो तो दोनों ही एक ही घर में बैठ जाओ, अगर स्क्वाड खेल रहे हो तो दो दो करके बैठना है। जैसे मैं और वरुण गाइस, सॉरी गाइस वरुण बोलता हूँ, मैं और सिद्धांत इस टावर पे आ गए एंड अभी 42 बंदे अलग है। एंड देखो गाइस इस टावर पे भी बंदे पहुंच गए ऑलरेडी, तो ये वाला काम आप लोगों को फर्स्ट जोन बनने तक ही कर लेना है। एंड आप लोग बंदे देख लो यार, 42 बंदे लाइव है, तो कितनी हार्ड लॉबी होने वाली ये तो आप लोगों को पता ही है। एंड ऐसे लॉबी के अंदर गाइस गेम को बुया निकालना, मतलब दो दो को आप लोग टीम बना लो, ठीक है। एंड अगर आप लोग डुओ खेल रहे हो तो दोनों एक ही घर में घुस जाओ गाइस। एंड यहाँ से गाइस देखो हम लोगों को कोई नहीं मार पाएगा, एंड यहाँ से हम लोग बहुत ही ईजी तरीके से किल भी कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं गाइस, विदाउट कोई मुश्किल। जैसे कि देखो गाइस यहाँ पे अभी 39 बंदे अलाइव एंड जोन देखो गाइस। एंड ऐसा करना है दोनों को नहीं मारना गाइस, ठीक है। आप लोग जैसे दोनों को उठ उठ के देने लगोगे, जैसे देखो गाइस मैं मारूंगा तो सिद्धांत बैठा रहेगा, एंड सिद्धांत मारेगा बंदों को तो मैं बैठा रहूंगा। इससे क्या होगा गाइस कि अगर हमारा, ओ भाई ओपी वाला हेडशॉट यार, क्या ही हेडशॉट मारा इस बंदे को, भैंस की टांग, बंदा फिनिश नहीं हुआ यार। हाँ तो गाइस मैं बोल रहा था कि अगर मैं मारूं, मतलब आप अगर मारो तो आपके टीममेट को बोलना बैठने के लिए, अगर आपका टीममेट मारे तो बोल देना आप बैठ जाना, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये वाला गाइस मैंने गाड़ी फोड़ दिया, तो चलो जल्दी से किल कर लेते। ओ देखो गाइस सिद्धांत तो नॉक हो गया। तो गाइस मैं बोल रहा था वही कि अगर आप मारो तो अपने टीममेट्स को बिठा देना, अगर आपका टीममेट्स मारे तो आप बैठ जाना। इससे क्या होगा कि अगर कोई दोनों में से एक नॉक होगा तो वो रिवाइव हो जाएगा बहुत ही ईजी तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा रिवाइव होने में। जैसे देखो गाइस अभी सिद्धांत बैठा हुआ था, मैं नॉक हुआ, मुझे रिवाइव मिल गया। एंड गाइस टावर पे है तो कोई दिक्कत होने वाली बात होने गई। एंड देखो गाइस जोन के सेंटर का फायदा गाइस, देखो अभी भी 12 बंदे अलाइव हैं, एंड इतनी हार्ड लॉबी के अंदर हम लोग कैसे ईजी तरीके से गेम प्ले कर रहे देखो गाइस। एंड अगर गाइस अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारनी है हार्ड लॉबी के अंदर, तो गाइस साइड से खेलो, बीच में भसड़ में घुसो गाइस, मरोगे रैंक माइनस होगा, ठीक है। इन सब प्लेयर से सीख लो गाइस, ठीक है। अगर हम भी इनके जगह पे होते तो हम भी मरते, लेकिन हम लोगों ने एक गाइस प्रॉपर वे खोजा गाइस, प्रॉपर फॉर्मूला, प्रॉपर ट्रिक खोजा, एंड उस ट्रिक से हम लोग खेल रहे हैं, जो गाइस देख सकते हो जोन के सेंटर में। तब से हम लोग हिले ही नहीं है यार, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही सेंटर चेक करके बैठ गया था, जोन प्रोड्यूसर थे, ठीक है। तो वो भी आपको भी कर लेना गाइस, जोन प्रोड्यूसर से जोन चेक कर लेना एंड बैठ जाना है। वैसे यहाँ पे मेरा 3 किल हो गया गाइस, एंड किल तो बहुत ही इजी तरीके से हो ही जाएगा यार, क्योंकि जोन के सेंटर में बैठे हैं तो किल तो कहीं जाने वाला है नहीं। तो यहाँ पे देखो गाइस मैंने यहाँ पे 3 को मार दिया, एंड ऊपर की तरफ अभी भी कितने सारे बंदे अलाइव हैं, तो चलो जल्दी से इन सारे को मार लेते हैं। वैसे अब जोन भी छोटा हो चुका है गाइस, देख सकते हो, एंड अभी भी 11 बंदे अलाइव हैं गाइस इतने से छोटे जोन के अंदर। तो अगर आप लोग ऐसे खेलोगे तो बहुत ही आसान से बुया कर पाओगे गाइस। वैसे देख लो अभी भी हम लोग टावर में हैं, एंड अब गाइस हम लोग किल कर सकते हैं यार, देखो गाइस कैसे किल कर रहे हैं। तो अगर आप लोग जोन के सेंटर में बैठोगे गाइस, जोन मतलब पहले तो लूट कर लेना है, दो दो का टीम बना लेना है गाइस, ठीक है। अगर आप लोग सोलो में करते हो तो सोलो में भी यही करना है। एंड एक चीज जो इंपॉर्टेंट बात होता है गाइस, ठीक है, स्कार वगैरह लेके टावर पे नहीं चढ़ना है, ठीक है। या तो गाइस M82B कार 98 या फिर स्नाइपर गन या फिर AC-80 गाइस, AC-80 ड्रैगन ऑफ या फिर उडपीकर लॉन्ग डैमेज वाला, जैसे कि आप लोगों ने देखा गाइस सिद्धांत का भी लॉन्ग डैमेज का गन है गाइस उडपीकर, ठीक है। मतलब गाइस लॉन्ग, मतलब गाइस क्या बोल रहे हैं यार लॉन्ग डैमेज वाला गाइस, गाइस जो लंबा डैमेज देता है गाइस, तगड़ी भारी गन गाइस, हैवी गन को लेके खेलना है। वैसे यहाँ पे गाइस देख सकते हो अभी हमारे अलावा दो ही बंदे अलाइव हैं, तो चलो गाइस जल्दी से मारते हैं। गाइस कितना देखो, ओ भाई इसने नॉक कर दिया। तो चलो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हम लोग कितना सिंपल वे में यार, कितना इजी तरीके से इतने हार्ड लॉबी के अंदर भी गेम को बुया कर लेते हैं गाइस। तो इस ट्रिक से आप लोग भी बहुत ही इजी तरीके से, बेस्ट तरीके से बुया कर सकते हो। तो ये वाला एपिसोड अगर आप लोगों को पसंद आया तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना गाइस, एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे प्रेस कर देना। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।